तो मार्केट से तो मैं कल ही आ गई थी, लेकिन कल काफ़ी शाम हो गया था मार्केट में, 5 घंटा लगा था कदम कुआं यहाँ से जाते हुए। और सच में वो चूड़ी के लिए फेमस मार्केट था, लेकिन हमने समय गलत चुन लिया था। ये जो तीज का समय था ना, तो हर जगह आपको खुदरा में नहीं मिल रहा था, जो भी था होलसेल रेट पर। तो बहुत ढूंढने के बाद एक दो दुकान ऐसा था जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग खुदरा भी देते हैं, क्योंकि होलसेल में हमें रहना लेना नहीं था। तो अभी पता नहीं अब तीज को लेकर ऐसा हुआ या फिर खुदरा लेने पर ऐसा हुआ, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन रेट लगभग सेम ही पड़ रहा था, लेकिन वेरिएशन जो है वो बहुत अधिक था। तो मैंने जो जो लिया है आपको दिखाऊंगी, और कुछ सामान तो इधर उधर निकल भी गया है, तो क्या क्या लिया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये देखेंगे, ये है आपका ब्लाउज बैग है, ये ब्लाउज रखने के लिए मेरे पास ब्लाउज का वेरिएशन आप लोग जानते हैं, मैंने ब्लाउज का डिज़ाइन भी शेयर नहीं किया है, तो वो ब्लाउज है इस, ये ब्लाउज रखने के लिए मैंने लिया था। और उन्होंने तो ये करके दिया कि इसमें 25 ब्लाउज आ जाएंगे, लेकिन इसमें मैंने ब्लाउज रख के मैंने देखा है, तो ये सारा लाइनिंग वाला ब्लाउज है, एक भी सिंपल ब्लाउज नहीं है। तो लाइनिंग वाला 15 ब्लाउज इसमें आया, अभी 2-3 और आ सकता है, लेकिन ज़्यादा रखने के बाद अगर कहीं से फट वट जाए तो बेहतर है कि 15-15 मैंने रखा है, और बिल्कुल अच्छे से ये परफेक्ट आया है और काफ़ी अच्छा है। ये छूकर मैंने देखा, तो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था उतना संतोषजनक नहीं था, लेकिन ये ऑफलाइन वहाँ पर 200 रुपये में मिला, तो मैं इससे खुश हूँ। इस तरह मैं बना सकती हूँ, बस मेरे पास उतना समय नहीं रहता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो सारा हैवी डिज़ाइन वाला ब्लाउज है, कभी ब्लाउज का भी जो है मैं शेयर करूँगी, ब्लाउज हॉल जो भी मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो 2 लिया है, एक मम्मी को दे दूँगी, एक मैंने अपने लिए लिया है। बाकी ये सारा ब्लाउज जो मैंने निकाला था कौन कौन सा रखना है, ये सब तो बिना लाइनिंग वाला है, ये सब ब्लाउज बिना लाइनिंग का है, तो ये सब मैंने इसे गोदरेज से निकाल कर रखा था कि कौन कौन उसमें रखना है, ये सब मैंने अभी नहीं रखा है। और उसके बाद ये जो ब्लाउज आप देख रहे हैं, ये ब्लाउज मैंने बनाया है जो मैं तीज में पहनूंगी, और ये डिजाइन मैंने इसमें डाला है। अब पहनने के बाद आप लोग बताइएगा कि ये कैसा मेरे ऊपर बैठा है। और इसी का मैं बैंगल सेट लगाने गई थी, तो इसका इस तरह से मैंने पिंक भी अलग से लिया, लेकिन उन्होंने यही लगा कर दिया, तो और ये जम भी रहा है थोड़ा सा, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। बढ़िया था, वही है कि वेरिएशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, अभी चूँकि पर्व के कारण भीड़ भड़ाक थी। और ये देखेंगे, ये देखिए इसमें इस तरह से सेट लगा कर दिया गया है, जब मैं पहनूँगी तो फिर ये देखिए। अभी चूँकि समय कम है, अभी जाना है ठेकुआ प्रक्रिया बनाने भी, मैं ज़्यादा खोल नहीं रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी सुंदर इस पर सेट करके दिया गया है। और इस पर जो ये पिंक देख रहे हैं, इसी पिंक कलर की साड़ी है, तो अभी इसका मैंने पेटीकॉट भी नहीं लिया है, तो आज मैं बना लूँगी, आज मंगलवार है, आज बना लूँगी ठेकुआ प्रक्रिया, फिर कल जो है बाकी मार्केट का काम करूँगी, फल वगैरह तो देने ही आ जाएगा घर पर इसका ढक्कन। तो बाकी जो मार्केट का काम है वो काम मैं कल कर लूँगी। अब मेहंदी भी लगवाना है, अब लगवाऊँगी या लगाऊँगी खुद से ये भी नहीं पता। ये लिया था, दूसरा ये लिया था, ये चूड़ी स्टैंड में लेने गई, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे तरीके के मिल रहे थे कि आप हैंग कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। तो एक मैंने 350, एक 300 चूड़ी स्टैंड का बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मेरा कोई दुकान है, जब मैंने कहा नहीं मुझे घर में रखना है, फिर उन्होंने मना कर दिया कि ये घर में रखने वाला नहीं है, तो इससे बेहतर है कि आप ये ले लीजिए। ये मैंने 12 का पीस ले लिया, जबकि मेरे पास ये काफ़ी है, आप लोगों ने रेट पर देखा है, बाकी और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी तो मैं जो जो बैंगल्स खरीदी हूँ वो दिखाऊँगी, बाकी ये बैंगल्स का भी मैं एक हॉल आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा बेटा याद दिला रहा है कि ये भी दिखाना है, तो ये लेस आप देखेंगे, मैं दिखाती हूँ। ये एक और लेस मैंने अभी निकाला था बेटा, ये लेस यहाँ पर जो है मुझे मिला था 12 रुपया मीटर करके, ये वाला लेस, तो मैं जब भी लेती हूँ तो 5-6 मीटर 10 मीटर ले ही लेती हूँ, और इससे ज़्यादा बेटर ये लेस है, लेकिन ये लेस है। और ये पूरा बंडल 9 मीटर का, मतलब एक साड़ी का आता है, और मात्र ये 35 रुपये में मुझे मिला। तो वहाँ पर वही है, खुदरा विक्रेता नहीं है, आप थोक में लीजिए तो 1 मीटर 2 मीटर ये नहीं मिलना था, पूरा बंडल मिलना था। तो मैं तो बनाती ही रहती हूँ ब्लाउज सूट वगैरह, तो मैंने इसको ले लिया, और कुछ और भी लेस लिए हैं, अच्छे अच्छे लेस हैं, जो कि मैं आपको किसी दिन और दिखा दूँगी, या किसी चीज़ में लगाऊँगी तो दिखा दूँगी। इस तरह से साड़ी वाड़ी में डालने के लिए काफ़ी अच्छा अच्छा वहाँ पे मिल रहा था, तो इसको ले लिया। और अब मैं चूड़ी आपको दिखाती हूँ, तो ये जो मैंने कहा वो ब्लाउज को दिखाया कि पिंक भी लिया है, तो ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं पिंक, ये मेटल है, और ये भी मेटल है रेड में। ये जो ब्लू है इसमें आ नहीं रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए, मैंने
आधा आधा ऐसे खोला और आधा ऐसे में ही छोड़ दिया। तो हर कलर का मैं सोच कर ही गई थी, मुझे हर कलर का लेना है, तो ये लिया। और ये पिंक है, ये ब्लू है, और ये येलो है, ये भी वेलवेट में ही है। तो ये जो आपने देखा, ये ब्लू जो है, ये वाला इधर वाला, तो ये वेलवेट है, और ये वाला जो है ये मेटल है। तो अलग अलग तरीके से लिया था। और भी खूबसूरत चूड़ियाँ मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये देखिए, ये मैंने बहुत दिन से सोच कर रखा था, मैं जब भी जाऊँगी, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि चूड़ी मार्केट है, वो चूड़ी मार्केट, लेकिन कभी लेकर नहीं जाते थे। तो कल ये बोले कि मैं बाबू को रखता हूँ, बाबू तो बीमार है, लेकिन इन्होंने कहा तुम बोलती थी तुम चली जाओ। उनको इनको भी ये नहीं पता था कि तीज वगैरह के कारण भीड़ भी होगी और थोड़ा थोड़ा नहीं मिलेगा, इसीलिए भी मैंने इतना लिया, और मुझे लेना भी था। तो ये ग्रीन में लिया है और ये मैरून में लिया है। तो बताइएगा कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। बैंगल्स वगैरह तो कोई ख़राब नहीं होता है, सब अच्छा होता है। तो ये तो मैं बहुत खुश हूँ इसको देख के। अभी तो इस कलर की साड़ी मैं पहनूंगी नहीं, जो साड़ी पहनूंगी आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगी। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। और अब लगूंगी ठेकवा पिरिकिया बनाने के प्रोग्राम में, उधर मम्मी तैयारी में लग गई है, देखती हूँ मम्मी क्या कुछ करके रखी है। और ये सारा चीज़ सबसे, मतलब मैं बिल्कुल मनपसंद का सारा चीज़ मैंने खरीद कर लाया है और बिल्कुल मन खुश है। बाकी और भी चूड़ी वगैरह लेना था, लेकिन शाम इतना हो गया, इतना लंबा मार्केट था अंदर तक, आप जाते रहिए, तो इसीलिए फिर प्रयास करूँगी कभी जाने का। अब ये अपना गाड़ी भी दिखा रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत इसके इसके खिलौने का तो कार्टून देखते ही रहते हैं, ये भी दिखाना चाहता है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।